साल 1810 स्पेन के सामोस गांव में रहने वाले एक गरीब घर में डियोगो एल्वेस की कलाकारियां सुनाई दी। एल्वेस परिवार का डियोगो सबसे पहला वारिस था और इसीलिए पूरा परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे आज देखकर वो इतने खुश हो रहे हैं वही आगे चलकर पोर्चुगल का सबसे पहला और सबसे बड़ा सीरियल किलर बनने वाला था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और डियोगो बड़ा होता गया, लेकिन एल्वेस परिवार कभी भी गरीबी से उभर नहीं पाया और इसीलिए महज 19 साल की उम्र में डियोगो को उसके परिवार ने पोर्चुगल की राजधानी लिस्बन भेज दिया। वहां पर पहुंचते ही उसे कोचमैन यानी कि घोड़ा गाड़ी चलाने वाले की नौकरी मिलती है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। यहां तक डियोगो की जिंदगी गरीब ही सही लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल चल रही थी, या फिर ये कह सकते हो कि तूफान से पहले आने वाली शांति थी। वक्त बहुत जल्दी बदलने वाला था क्योंकि इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है मारिया गुडट्रुडेस से। मारिया लिस्बन में एक छोटा सा होटल चलाती थी जहां अक्सर राह चलते लोग एक दिन का आराम करने आया करते थे, और ऐसे ही एक दिन डियोगो भी चलते फिरते उस होटल तक पहुंच गया। होटल पहुंचते ही उसकी नजर सबसे पहले मारिया पर जाती है और पहली ही नजर में उसे एक तरफा प्यार हो जाता है। अब प्यार हुआ है तो ऑब्वियसली इम्प्रेस तो करना पड़ेगा, लेकिन इम्प्रेस आखिर करेंगे कैसे? कुछ भी करने के लिए तो पैसे चाहिए, पर डियोगो तो ठहरा कोचमैन जो सिर्फ एक दिन काटा जा सकता है उतने ही पैसे अफोर्ड कर सकता था। तो अब आखिर कम समय में ज्यादा पैसे कैसे कमाया जाए? वेल, शॉर्टकट से। अब अक्सर इंसान शॉर्टकट में पैसे कमाने के लिए या तो किसी को लूटता है या फिर कहीं पर डाका डालता है, और डियोगो के दिमाग में भी बस इसी बात की बत्ती जलती है। उसने उसी के जैसे लोगों की एक बड़ी गैंग बनाई और खून करना शुरू कर दिया। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि अगर वो लोग उस इलाके में किसी का खून करते तो वो आसानी से पकड़े जाते, क्योंकि वो एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, और अगर वे लोग पकड़े जाते तो सीधी सी बात है मारिया इंप्रेस तो होने से रही। और इसीलिए उसने सोचा कि आसपास के लोग नहीं बल्कि कोसों दूर से जो लिस्बन में अपना सामान बेचने आने वाले लोग हैं उन्हें लूट कर उनका कत्ल किया जाए। और बस फिर क्या था, उन्होंने ये हत्याकांड शुरू कर दिया। वो आधी रात में पहले लोगों को लूटा करते थे और फिर लिवरेस एक्वेडेक्ट नाम की एक 25 मंजिले ऊंची इमारत से नीचे उस इंसान को फेंक दिया करते थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और हत्या और लाशों की संख्या बढ़ती चली गई। कोई ये नहीं जानता था कि आखिर ये कर कौन रहा है, और इसीलिए वहां के लोगों ने उस खूनी को द एक्वेडक्ट मर्डरर का नाम दे दिया। अब प्यार को पाने के चक्कर में जो इतने कांड किए, क्या लगता है आपको, मारिया इंप्रेस होगी? वेल, अगर आपका जवाब ना है तो आप बिल्कुल गलत हो। मारिया डियोगो के ये कांडों से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुई। इनफैक्ट इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी कि उसने भी डियोगो का साथ इन गलत कामों में देना शुरू कर दिया। मारिया डियोगो की मदद उन हत्याओं को छुपाने में किया करती थी। और बाय द वे यहाँ पर मैं ये चीज भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मारिया कोई सिंगल कुंवारी शुद्ध शाकाहारी लड़की नहीं थी। इनफैक्ट वो तो शादीशुदा होने के साथ साथ एक बच्चे की माँ भी थी, लेकिन फिर भी उसने इस खूनी के साथ रिश्ता जोड़ लिया। वो भी इतना कि कुछ ही टाइम में मारिया अपने होटल में रहने वाले लोगों को भी अपना निशाना बनाने लग गई। वो अपने होटल में आने वाले रईस लोगों के बारे में डियोगो को पहले से इन्फॉर्म कर देती थी, और फिर डियोगो उन्हें लूट लिया करता था और उन्हें मारकर ठिकाने लगा दिया करता था। लेकिन एक मिनट, कोई इस खूनी की तरफ आखिर आकर्षित कैसे हो सकता है? कैसे कोई खूनी को उसके गलत कामों के सबूत को मिटाने के लिए मदद कर सकता है? Well, जब यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के प्रिंसिपल फिलिपी बेन साइमन ने इस पर रिसर्च किया, तब उन्होंने डिस्कवर किया कि एक मेंटल फिनोमिनन हाइब्रिस्टोफिलिया है। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक इंसान दूसरे की तरफ तब सेक्सुअली अराउज होता है जब उसे पता चलता है कि सामने वाला कोई क्रिमिनल या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वड है। स्टडी से यह भी सामने आया कि यह फिनोमिनन मर्दों के मुकाबले औरतों में ज्यादा पाया जाता है, और ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है इस पर रिसर्चेस अभी भी जारी है। Well, एक रीजन ये हो सकता है कि ऐसा कुछ इवेंट फीमेल साइकोलॉजी में एक डीप सीटेड प्रिमिटिव टाइप के अट्रैक्शन को ट्रिगर करता है जो डोमिनेशन से रिलेटेड, यानी कि क्रिमिनल्स का इस तरह का डोमिनेशन एक प्रिमिटिव टाइप के अट्रैक्शन को ट्रिगर करता होगा। दूसरा रीजन हो सकता है ब्रेन के केमिकल पैथवेज को लेकर। जब भी कोई ऐसे काइंड ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो वो एक स्टेट ऑफ थ्रेट में होता है, और थ्रेट मतलब एंग्जाइटी, और रिसर्चेस ये शो करते हैं कि एंग्जाइटी में फीमेल अट्रैक्शन हाइटन हो जाता है। So, ये कुछ वजह हो सकती है जिसकी वजह से मारिया डियोगो की तरफ आकर्षित हुई। लेकिन आकर्षित होने में और साथ देने में फर्क होता है। कोई कैसे किसी इंसान की तरफ हत्याकांड में हाथ बटा सकता है? Well, इसका जवाब भी हाइब्रिस्टोफिलिया की स्टडी में है। हाइब्रिस्टोफिलिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक है पैसिव हाइब्रिस्टोफिलिया, जिसमें इंसान क्रिमिनल के बारे में अपने ही दिमाग में एक अच्छी प्यार भरी कहानी बना लेता है और उसका बिहेवियर इसी थॉट से मोटिवेटेड होता है। बट हाँ, ये सिर्फ एक मेंटल कॉन्सेप्ट होता है जिससे अट्रैक्शन ट्रिगर होता है, बट उसका बिहेवियर क्रिमिनली मोटिवेटेड नहीं होता। यानी कि आसान शब्दों में वो पर्सन कोई बुरे काम नहीं
करेगा। बट जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है एग्रेसिव हिब्रिस्टोफिलिया। इस फिनोमेनन में इंसान क्रिमिनल का प्यार हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर चाहे वो काम बुरा ही क्यों ना हो, वो बिना सोचे समझे उसके अपराधों में बराबर का हिस्सेदार बनेगा और उसे जितना हो सके इंप्रेस करने की कोशिश करेगा। और डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि मारिया इसी एग्रेसिव हिब्रिस्टोफिलिया के शिकार बन गई थी, जिसके चलते उसने डियोगो का अटेंशन पाने के लिए उसके हर एक अपराधों में साथ देना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे का साथ ऐसा दिया कि सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर उन्होंने बिना पुलिस के हाथ लगे 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जितने बार भी एक्वेडक्ट में हो रही मौतों की जांच पड़ताल होती, क्राइम स्पॉट पर पुलिस को किसी भी तरह की हाथापाई की कोई निशान नहीं मिलते, जिसकी वजह से इन मौतों को हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या घोषित करके उस मुद्दे को वहीं पर दफना दिया जाता। लेकिन जहां पर कुछ लोगों का यह मानना है कि डियोगो ने 70 लोगों की जाने ली, वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि पुलिस ने इन बढ़ते खुदकुशियों को देखकर 6 महीनों में ही उस एक्वेडक्ट को बंद कर दिया था। और डियोगो के कत्लों का ये कहर सिर्फ 6 महीने चला या 4 साल, ये तो कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता। लेकिन एक खूनी कब तक बचता फिरता, वो भी तो इंसान ही है, कभी ना कभी तो हाथ जरूर लगेगा। और बस वही हुआ। साल 1840, डियोगो और उसकी गैंग ने मिलकर एक डॉक्टर के घर को लूटने का प्लान बनाया, और वही प्लान उन सभी के गले का फंदा बन गया। दरअसल जब डियोगो अपने टीम के साथ डॉक्टर के घर लूटने उसके घर पहुंचता है, तब वहां सिर्फ डॉक्टर की विधवा भाभी, उसकी 2 बेटियां और एक बेटा मौजूद होता है, जिन्हें डियोगो दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देता है। इस अपराध की हैवानियत इस हद तक थी कि पता नहीं कैसे मगर मारिया जर्ट्रूड्स की खुद की 11 साल की बेटी ने मारिया, डियोगो और उनके पूरे ग्रुप के खिलाफ गवाही दे दी। और फिर क्या था, अदालत ने डियोगो को फांसी की सजा सुना दी और पूरे गैंग के बाकी लोगों को देश से बेदखल कर दिया। और उसके बाद उसके सर को कलाम करके लिस्बन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में डिस्प्ले पर रख दिया गया। अब आई नो यहाँ पर सवाल ये आता है कि डियोगो को तो फांसी दे दी गई थी, तो फांसी देने के बाद उसका सिर कलाम क्यों किया गया? Well, इसका जवाब छुपा है फ्रेनोलॉजी में। फ्रेनोलॉजी की शुरुआत 1796 में फ्रांस जोसेफ गॉल ने की थी। इसमें बेसिकली लोगों की खोपड़ियों में जो उभार होते हैं उन्हें देखकर बता दिया जाता है कि उस इंसान का चरित्र, बर्ताव, चाल ढाल और काफी कुछ उसके पर्सनालिटी के बारे में कैसा होगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आज तक प्रूव नहीं हो पाया है, और इसीलिए फ्रेनोलॉजी को आज भी सूडो साइंस यानी कि खोखला विज्ञान माना जाता है। लेकिन जो फ्रेनोलॉजिकल धारणा थी कि हमारी सोच, चरित्र और भावनाओं जैसी पहलुओं के लिए दिमाग के विशेष भाग जिम्मेदार होते हैं, इस धारणा को न्यूरोसाइकोलॉजी के इतिहास में एक बड़ा कदम माना जाता है। और यही फ्रेनोलॉजी कारण है कि डियोगो एल्वेस के सर को कलाम कर दिया गया, क्योंकि डियोगो के मुकदमे के दौरान उसके चर्चे पूरे पोर्चुगल में फैल चुके थे और वैज्ञानिकों को डियोगो और उसके करतूत अपने स्टडीज के लिए एक बहुत ही दिलचस्प इंसान लगा। उनका मानना था कि अगर डियोगो के दिमाग की जांच पड़ताल की जाए तो जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा जो उसके जीवन और पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा विस्तार से बता पाए, और इसीलिए उसके सर को कलाम करके फॉर्मल हाइट सॉल्यूशन वाले जार में हमेशा के लिए रख दिया गया। लेकिन व्हाट इफ मैं कहूं कि बरसों से चली आ रही इस टेक्नोलॉजी का यूज आज की सदी में भी किया जा रहा है, लेकिन स्टडीज के लिए नहीं बल्कि मरे हुए इंसान को मरने से बचाने के लिए। वेल, अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? ये मुमकिन है क्रायोनिक्स से। क्रायोनिक्स में लोगों को लिक्विड नाइट्रोजन के बड़े बड़े टैंक्स में रखकर -190 डिग्री सेल्सियस के तापमान में डीप फ्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है जो मरे हुए को फिर से जिंदा कर सके, तब उन लाशों को फिर से डीप फ्रीज करके जीवन दान दिया जाएगा। और इस क्रायोनिक्स के बिजनेस में एल्कोर सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इस कंपनी के 50 साल के इतिहास में इन्होंने 1832 मेंबर्स को जमा कर लिया। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ये सब ड्रामा है, क्रायोनिक्स जैसी कोई चीज होती नहीं है और वो आपको वापस से जिंदा नहीं कर सकती। जो लोग फंस रहे हैं इसमें उनका बस काटा जा रहा है, क्योंकि विज्ञान के अभी के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक बार जो इंसान मर गया उसका फिर से जिंदा होना संभव नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या विचार है इस विषय पर, प्रकट करना नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, कैंसिल फ्लाई फैट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।